तो अगर आप कहती हो इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, देन वेयर इज द पीस? शो मी वेयर इज द पीस, इन विच कंट्री आर यू ऑल गिविंग पीस? देयर इज नो पीस एनीवेयर. अगर आप देखने जाओ जर्मनी में, देखो आप कोई भी कंट्री में देखो, ये लोग ये क्यों चाहते हैं कि भाई वी वॉन्ट टू कॉन्कर द वर्ल्ड. What are you going to do after conquering the world? First thing, to why you want that every moment should every living being should be a moment? There is no need. And why are you all so insecure? मैं सबको मुसलमान बनाने की जो कोशिश लगी रहती है कि भाई हर एक इंसान मुसलमान बन जाए, ये आपकी जो एक सोच है ना, इसी ने पूरी दुनिया को it has मतलब क्या दिया है? What have you all given to the world? What peace have you all given to your women, to your children, to the world? There is no peace at all. Agar aap peace ki baat karegi to minorities to aap keh hi nahi sakte hum Muslims ko, because India mein minorities wo rahe nahi. They are quite a lot, like you know, bahut percentage unka badh gaya hai. Agar aap apne country mein dekhen to hamare jitne bhi पाकिस्तानी हिंदूज है उनकी क्या हालत की गई, उनके ऊपर जितना जुल्म हो रहा है और हुआ पहले से, जो हुआ जो अगर 12% that's what I heard last, 12% थे, now they have come down to 1%, और वो 1% भी इतने ज्यादा परेशान, इतने ज्यादा. सो यू टेल मी कि कैसे हम यहां बैठ के इंडिया में ये सोचें कि आपके कंट्री में कोई महफूज है, हमारा कोई महफूज है, जबकि यहां पर अगर आप देखो, आप जवाब दीजिए कि अगर आप कहते हो कि वहां के लोग ये समझते हैं कि यहां पर बड़ा जुल्म हो रहा है अगर मोमिन के साथ में, तो मुझे बताओ कि यहां की तादाद ऐसे इतनी क्यों बढ़ गई और वहां पर क्या हुआ? वहां पर तो हम आज अगर आप मुझे दे दोगी कि कितने परसेंट हिंदूज रह गए हैं, तो मैं मानूं कि हाँ भाई कि आपके यहाँ बड़े अच्छे से रखा गया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से रखा गया, आप लोगों ने रखा उनको, उनकी हिफाजत की. आज आप क्रिश्चियन और अगर हिंदूज को देखेंगे तो आपके यहाँ ना के बराबर हो गए. आपके यहाँ जो कन्वर्जन लड़कियों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं, किडनैप करके उनकी जबरदस्ती शादियां कराई जा रही है, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है. व्हाई इज दैट? यहाँ क्यों ना मुस्लिम बदनाम हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कर रहा है ऐसा. और अगर आप कहते हो कि इसमें हमारे कुरान में अगर ये लिखा है कि रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, सो शो मी व्हाई दिस कॉन्ट्रडिक्शन. ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है कि भाई काफिरों को मारो भी और फिर उसको रिस्पेक्ट भी दो? दिस कांट बी. इट हैज टू बी वन. इधर यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन एंड लेट देम बी, बिकॉज मुझे नहीं लगता है वॉन्ट फुल इंडिया. मैं ऐसे ही समझती हूँ हमेशा कि पाकिस्तान हमेशा यही चाहता है दैट ही वांट्स टू रूल, वांट्स टू हैव शरिया लॉ ओवर हियर, नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री और अ सेक्युलर कंट्री. तो दूरियां तो होनी ही है. मैं भी हजारों वीडियो जहां पर मौलाना चीख चीख के कह रहा है कि काफिर हमारे नहीं हो सकते, जब आप ही लोग इतना जहर भर रहे हो सबके जहन में और दिलों में, फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जहर तो निकलेगा ही ना. जी सही कहते हैं आप. अब उन्हीं मौलाना जी जिनकी आपने बात की ना, उन्हीं से मैं खुद भी ये सवाल करना चाहूंगी कि अगर काफिर दोस्त नहीं हो सकते तो वो काफिर सिर्फ इंडिया ही क्यों? वो काफिर अमेरिका दोस्त कैसे हो गया, चाइना दोस्त कैसे हो गया? काफिर तो हर वो काफिर होगा जो मुसलमान नहीं है. हर उस इंसान को आप काफिर कहते हो अपनी डेफिनेशन में, फिर अमेरिका दोस्त कैसे बना, फिर चाइना दोस्त कैसे बना? ये सवाल तो मैं खुद करती हूँ लोगों से. एक पूरा पार्ट ले लिया हमसे और कहा कि हम वहां रहेंगे, चैन से रहेंगे, फिर भी अगर आप चैन से नहीं रहते हो तो आई थिंक यू ऑल आर लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से. मतलब आपको मिला उसकी भी आपको कदर नहीं थी, इसीलिए आपने वहां पर लाकर खड़ा कर दिया पाकिस्तान को जहां पर वो आज है. एंड सी टूडे, हाँ हमने बहुत पेशेंस दिखाया, इंडिया ने बहुत पेशेंस दिखाया, इसीलिए मुगल आए यहां पर कॉन्कर किया, इसीलिए ब्रिटिशर्स आए यहां पर कॉन्कर किया. एंड नाउ आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी नो दैट दिस इज अवर कंट्री एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट इट. आज भी अगर हम पाक और हिंद की बात करें, स्पेशली इंडो कंट्रीज में, तो हमें वो चीज एक फसाद दिखाई देती है. क्या कहेंगे इस पर? जी मैं ये कहूंगी कि टू नेशन थियरी, पहली बात तो टू नेशंस अलग हो गए, दे टुक अ पार्ट ऑफ अस, जो हमारा पार्ट था जो इंडिया का वो चलो जो भी हालात बने और इट गॉट डिवाइडेड. अब मैं ये कहती हूँ कि रिलीजियस जो दूरियां हैं, जो एक यू नो एक रिलीजियस दूरी बहुत ज्यादा अब भी हो गई है और पहले भी थी, ऐसा नहीं कि नहीं था. दे वॉन्टेड अ कंट्री वेयर दे वॉन्टेड देयर पीपल. तो यहाँ पर तो आज भी हम सेक्युलर हैं और आज भी हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन ये चीज वहां पर आपके इधर नहीं है. मैं ये सोचती हूँ कि ये होना था कहीं ना कहीं, बिकॉज अगर आप देखने जाओ तो कोर ऑफ इस्लाम इज ऑलवेज दैट दे वॉन्ट, कि उनको ऐसा लगता है कि उनका एक
अलग ही एक इस्लामिक शरिया चले, इस्लामिक लॉ चले, जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं था। आप लोगों ने बंटवारा कर तो लिया और आप चले तो गए, लेकिन मेन यहाँ पर ये हो गया है कि मैं हम जब डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर, जो माइनॉरिटीज तो आप कह ही नहीं सकते हम मुस्लिम्स को, बिकॉज इंडिया में माइनॉरिटीज वो रहे नहीं, दे आर क्वाइट अ लॉट, लाइक यू नो बहुत परसेंटेज उनका बढ़ गया है। अगर आप अपने कंट्री में देखें तो हमारे जितने भी पाकिस्तानी हिंदूज है उनकी क्या हालत की गई, उनके ऊपर जितना जुल्म हो रहा है और हुआ पहले से जो हुआ, जो अगर 12% दैट्स व्हाट आई हर्ड लास्ट के 12% थे, नाउ दे हैव कम डाउन टू 1%, और वो 1% भी इतने ज्यादा परेशान, इतने ज्यादा। सो यू टेल मी कि कैसे हम यहां बैठ के इंडिया में ये सोचें कि आपके कंट्री में कोई महफूज है, हमारा कोई महफूज है, जबकि यहां पर अगर आप देखो तो जितने मोमिन है वो काफी अच्छे से रह रहे हैं, दे आर हैविंग द बेस्ट ऑफ, मतलब वो लोगों को कोई ऐसे यहाँ पर कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है, जबरदस्ती उनकी लड़कियों को उठा के ले जाके सनातनी नहीं बना रहे हैं, या जो भी है, दे आर लिविंग अ गुड लाइफ ओवर हियर। सो व्हाई दिस थिंग, यू नो, दो नेशन तो आपने बना दिए, लेकिन जो थोड़े बहुत रह गए थे वो आपने उनको हिफाजत से रखा नहीं। आज जब मैं उनकी कहानियां सुनती हूँ मेरा दिल दहल जाता है, दैट वॉट दे आर गोइंग थ्रू ओवर देयर। तो मुझे लगता है ये और भी फासले इस वजह से भी एक बड़े हैं। दूसरा, ऑल द टाइम जैसे मेरे यहाँ पर जब आपके बिलावल भुट्टो जी आए थे, और जिस तरीके से मेरे जो यहाँ के कंट्री के जो मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने जो कहा, ही सेड द टेररिज्म की फैक्ट्री, व्हाई वुड ही से दैट इफ इट इज नॉट, बिकॉज जब भी अगर आप देखो, अब 5 दिन पहले ही 5 हमारे शहीद हो गए, हमारे जो आर्मी के लोग, तो समवेयर यू दिस पीपल आर कमिंग फ्रॉम देयर, चाहे आप इस बात को नकारो या कुछ भी करो, बट ये चीज कहीं खत्म हुई नहीं है। यू ऑल हैव टेकन अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट यू स्टिल वॉन्ट फुल इंडिया। मैं ऐसे ही समझती हूँ हमेशा, कि पाकिस्तान हमेशा यही चाहता है दैट ही वॉन्ट्स टू रूल, वॉन्ट्स टू हैव शरिया लॉ ओवर हियर, नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री और अ सेक्युलर कंट्री। तो दूरियां तो होनी ही है जी। परवीन जी, आपने कहा कि वहाँ पे हिंदू रिलीजन के जो लोग हैं उनके साथ बहुत जुल्म हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंडियंस का ये ख्याल है पाकिस्तान के बारे में, सेम ऐसा ही कुछ ख्याल यहाँ मौजूद पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी मुसलमानों का है हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के बारे में, जिसकी वजह से हर वक्त पाकिस्तानी अवाम समेत हुक्मरान कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं, हमें मुसलमान आज़ाद कराने हैं, हमें उनकी जिंदगियाँ बहुत अजीज हैं, इस तरह के नारे और इस तरह के पोस्टर्स हमें हर आए दिन यहाँ पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये एक पॉलिटिकल फैक्टर है लोगों के दिमागों में, यहाँ वालों के उनके अगेंस्ट और वहां वालों के यहाँ के अगेंस्ट? मैं एक बात आपसे पूछती हूँ कि आप जाके कश्मीरियों से तो पहले पूछो कि वो कहाँ रहना चाहते हैं। आप आज आप और आपका देश ही आप देखो, आप कहाँ पर खड़े हो, आप कहाँ पर आ गए हो आज आप। और मुझे एक बात का सवाल का आप जवाब दीजिए कि अगर आप कहते हो कि वहां के लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर बड़ा जुल्म हो रहा है अगर मोमिन के साथ में, तो मुझे बताओ कि यहाँ की तादाद ऐसे इतनी क्यों बढ़ गई और वहां पर क्या हुआ? वहां पर तो हम आज अगर आप मुझे दे दोगी कि कितने परसेंट हिंदूज रह गए हैं, तो मैं मानूं कि हाँ भाई कि आपके यहाँ बड़े अच्छे से रखा गया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से रखा गया, आप लोगों ने रखा उनको, उनकी हिफाजत की। आज आप क्रिश्चियन और अगर हिंदूज को देखेंगे तो आपके यहाँ ना के बराबर हो गए। आपके यहाँ जो कन्वर्जन लड़कियों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं, किडनैप करके उनकी जबरदस्ती शादियां कराई जा रही है, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, वाई इज दैट? यहां पर मुझे बताओ कि कौन सी मुस्लिम लड़की को उठा के लेके गए और उनकी शादी हिंदू लड़के से कर दी? अच्छा परवीन जी, आपने परवीन जी आप खुद भी बहुत अरसे तक मुस्लिम रिलीजन में रह चुकी हैं, तो इतना तो आपने भी पढ़ा और सुना होगा कि इस्लाम इज नेवर अबाउट टू इनफोर्स समवन के आप जो है अपना रिलीजन छोड़ो, या आपको बज़द करके कोई काम नहीं करवाया जा सकता, स्पेशली रिलीजन चेंज। अगर इंसान की मर्जी होगी तो बदलाव और रिलीजन काबिले कबूल है, ये चीज़ तो आपने शायद सुनी होगी बींग अ मुस्लिम व्हेन यू वर। तो मुझे बताएं कि वो चीज देखने के बाद जब ये चीज होती भी देखती हैं तो क्या पर्सपेक्टिव बनता है दिमाग में? मुझे, क्या जी मुझे एक बात आप बताएं कि मैं तो पहले बात तो मैं सनातनी हो गई हूँ, मैं एक अरसे तक अगर रही भी इसमें, तो मैं एक ही बात अभी जानना चाहती हूँ कि लव जिहाद क्या है, फिर लव जिहाद क्या है, अगर इस्लाम में नहीं लिखा हुआ है तो फिर गजवाए हिंद क्या है, ये सब सारी चीजें कहाँ से आ रही है, ये सारी चीजें आ कहाँ से रही है? तो अगर आप कहती हो इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, देन वेयर इज द पीस?
शो मी वेर इज द पीस एंड विच कंट्री आर यू ऑल गिविंग पीस. देर इज नो पीस एनी वेयर. अगर आप देखने जाओ जर्मनी में देखो, आप कोई भी कंट्री में देखो, ये लोग ये क्यों चाहते हैं कि भाई वी वॉन्ट टू कॉन्कर द वर्ल्ड. What are you going to do after conquering the world? First thing too. Why you want that every moment should, every living being should be a moment? There is no need. And why are you all so insecure? मैं एक बात आप लोगों से पूछना, मैं हर इससे पूछना चाहती हूँ, जब आप कहते हो कि इस्लाम में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो फिर मुझे बताओ ये सारी चीजें हो क्यों रही है? क्या जो ISIS है, क्या इनके जो जो इनके जो ख्यालात हैं, इन्होंने जो एक बीड़ा उठा के रखा है, यू नो, तो क्या ये गलत है? तो क्या ये इस्लाम नहीं है? तो क्या जो लव जिहाद हमारे इंडिया में हो रहा है, जो लव जिहाद के नाम पे कन्वर्जन होते हैं, जो लड़कियों को ब्रेन वॉश किया जाता है, जो लड़कियों को एक एक झूठ बोलकर, एक गलत एक हिंदू नाम रखकर एक लड़का जब एक लड़की को फंसाता है, ये सब क्या है? वाई? If it is not in Islam, then where is it? ये वाली चीज जो है ना परवीन जी, ये चीज बहुत सी मेरी ऑडियंस के दरमियान में भी, दिमागों में भी कंफ्यूजिंग है. मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स भी आते हैं. तो आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि लव जिहाद इज एग्जैक्टली नॉट दैट काइंड ऑफ जिहाद जो हमारे इस्लाम के अंदर है. मतलब लव जिहाद जैसे पोर्ट्रे किया गया कि आप अपना रिलीजन जो है बदलो, दूसरे के सामने तब्दील किया हुआ दिखाओ, नाम बदलो जैसे आपने बोला, या आप धोखा दे के किसी की कन्वर्जन कराओ, उसमें आप अगले को मजहब नहीं बदल सकते, बल्कि आपका खुद का बदल जाता है. आप मुस्लिम रहते ही नहीं हो, ठीक है? इस्लाम इज नॉट अबाउट दैट. वो अब जो लोग कर रहे हैं या लोग वो समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो उनकी अपनी गलती है. और यही शायद सबसे बड़ा फ्लॉ है कि इस्लाम रिलीजन को कितना गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है. जहां तक आपने मुझे लास्ट टाइम भी कहा था कि व्हेन आई वाज मुस्लिम तो बहुत सारे मुझे ऐसी चीजें देखने को मिलती थी जिनको देख के बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती थी कि यार दिस इज इस्लाम, दीज आर मुस्लिम्स. तो आई टोटली एग्रीड, और वो बात आपकी बिल्कुल ठीक थी. वो उसके बाद भी मैंने एक दो और मुसलमानों से जो खुद को बड़ा पक्का मुसलमान होने का दावा करते थे, मैंने उनसे ये सवाल भी किया. एंड और फिर मुझे उसका जवाब ये मिला कि वो बात कि हम लोगों को ही देखते हैं, तो वो उसमें लोगों का कसूर है, उसमें रिलीजन का कसूर नहीं है, क्योंकि हर रिलीजन में, हर कास्ट में, हर कल्चर में, हर ट्रेडिशन में, हर कंट्री के अंदर हर तरह के लोग होते हैं. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि ये स्पेसिफिक एरिया है तो उसके अंदर ऐसे ही होंगे. होते हैं हर जगह. अब जैसे इंडिया में हम नहीं कह सकते कि सब अच्छे हैं या सब बुरे हैं. देयर आर मतलब है लॉट ऑफ पीपल, तो मिक्सचर मस्ट बी देयर. इसी तरह का सिनेरियो पाकिस्तान के बारे में, बहुत बुरे ख्यालात हैं इस वक्त दुनिया के, और नो डाउट होने भी चाहिए. जो क्या कहूँ कि जो कर्तव्य पाकिस्तान खुद का दिखा रहा है, जिस तरह खुद को पोर्ट्रे कर रहा है, बट ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अगर 28 करोड़ की आबादी है तो सब ऐसे होंगे. मैंने ये कहा कि सब ऐसे हैं. मैं कहती हूँ ये मौलाना लोग जो हैं, अगर आप कहती हो इस्लाम ऐसा नहीं है, तो फिर ये कहाँ से आ रहा है? ये काफिरों को मारने का, ये काफिरों से दूर रहने का, इनसे दोस्ती नहीं रखने का, ये अगर कुछ, या अगर आपको, मैंने हजारों वीडियो देखी है, महवीश, हजारों वीडियो जहां पर मौलाना चीख चीख के कह रहा है कि काफिर हमारे नहीं हो सकते. जब आप ही लोग इतना जहर भर रहे हो सबके जहन में और दिलों में, फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? अगर काफिर दोस्त नहीं हो सकते तो वो काफिर सिर्फ इंडिया ही क्यों? वो काफिर अमेरिका दोस्त कैसे हो गया, चाइना दोस्त कैसे हो गया? काफिर तो हर वो काफिर होगा जो मुसलमान नहीं है. हर उस इंसान को आप काफिर कहते हो अपनी डेफिनेशन में. फिर अमेरिका दोस्त कैसे बना, फिर चाइना दोस्त कैसे बना? ये सवाल तो मैं खुद करती हूँ लोगों से. तो इस बात में आई टोटली एग्री, यू आर राइट हियर. नहीं, और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि मतलब जहां पर भी एक बच्चे को जब आप एजुकेशन नहीं देते हो और मदरसे में डाल देते हो, तो उसके दिमाग में क्या चलेगा, वो क्या पढ़ेगा? और अगर आप मुझे ये कहना चाहती हो कि कुरान के अंदर लिखा हुआ नहीं है कि काफिरों को मारो, देन आई थिंक आई हैव नथिंग टू से, क्योंकि मैंने कुरान इंग्लिश में पढ़ी है एंड आई हैव रेड इट प्रॉपरली कि जहां पर लिखा गया. अब आप कहोगे कि वो 1400 साल पहले के लिए था, तो देन व्हाई इम्प्लाई नाउ? Then why imply now? आज उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है कि आप जाके अमेरिका के आगे झोली फैलाओ. आप चाइना को कुछ नहीं बोल सकते हो जहां पर आपके मुसलमानों को दाढ़ी रखने नहीं दी जाती है, जब आपके मुसलमानों को नमाज पढ़ने की वहां पर इजाजत नहीं है, उनके सामने आप घुटने टेक देते हो. आपके लिए बड़े अच्छे हैं वो काफिर नहीं है. जहां आई एग्री, आपने एक लाइन कही कि उस आपने कुरान पढ़ा है इंग्लिश में और उसके अंदर लिखा हुआ है काफिरों को लेकर,
उसके साथ एक और स्टेटमेंट भी आपने जरूर पढ़ी होगी कि रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी रिलीजन को जो है डिसोबे करो, अनटिल और अनलेस कि वो आपके रिलीजन को कुछ ना कहे। आपने देखा होगा हम लोग किसके फॉलोअर्स हैं, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, और अगर हम उनकी लाइफ को देखें तो उन्होंने उन नॉन मुस्लिम्स के साथ भी अच्छा किया जिन्होंने उन पे कीचड़ उछाला, कचरा फेंका, पता नहीं कितने जुल्म सितम किए, वो उनके साथ भी अच्छे थे। तो फिर जिस बुक के वो फॉलोअर थे उसके अंदर ऐसी चीज, हाँ एक ऐसी चीज, ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी। मैंने पूरा कुरान तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा, उसके अंदर अगर ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ डेफिनेशन, लेकिन लोगों ने उसको बहुत गलत तरीके से अपना माइंडसेट बना के, अब ये जो कन्वेयन वाली आपने बात की इस पे अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई है, तो उसको, उस मूवी को देखने के बाद, लोगों का माइंडसेट पढ़ने के बाद और उसके बाद जो लोगों के क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं वो अपनी जगह तमाम के तमाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मुस्लिम उम्मा ही है जो खुद को इस तरह से पोर्ट्रे कर रही है, जो खुद को इस तरह से लोगों को बता रही है, दिखा रही है, उसके बाद क्या लोग समझेंगे इस रिलीजन को और क्या लोग इससे एक्सपेक्ट करेंगे। मैं तो ये सोचती हूँ कि जिस तरीके से तरबियत की जाती है, जिस तरीके से आप आसपास में देखते हो, जिस तरीके से अगर एक बच्चा, आज ही मैंने एक वीडियो देखा जो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट वाज एग्जैक्टली, लेकिन बच्चा भी शामिल है मारने में, कोई आई थिंक इटली का वीडियो था कहीं पर था, जो एक लड़के को उन लोगों ने ट्रैक्स पे डाल दिया, ये सारे मोमिन थे और वो एक काफिर था। तो ये जो काफिर का जो डेफिनेशन जो आया है, ये कुफ्र वर्ड जो आया है, काफिर आया है, ये इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा इसको सीरियसली लेकर लोगों ने इसको, मतलब एक यू नो, और क्यों ना हो, क्योंकि क्यों ना मुस्लिम बदनाम हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कर रहा है ऐसा। और अगर आप कहते हो कि इसमें हमारे कुरान में अगर ये लिखा है कि रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, सो शो मी व्हाई दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है कि भाई काफिरों को मारो भी और फिर उसको रिस्पेक्ट भी दो, दिस कांट बी, इट हैज टू बी वन, इधर यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन एंड लेट देम बी, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि आई डोंट नो, देखो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि उसके कुरान में कितने साल के बाद वो लिखा गया, उसके बाद क्या तब्दीलियां हुई, आई हैव नो क्लू, आई एम नॉट हियर टू से दैट, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि अगर आपने एक जगह ये लिख दिया कि रिस्पेक्ट अदर पीपल ऑल्सो एज यू वुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ, तो फिर उसके ऊपर चलो, या तो फिर ये लिखा गया है कि आप काफिर हो इनको मारो, काफिर, तो फिर वो काफिर को मारो, लेकिन तब जब वो आपके रिलीजन इंसानियत के साथ आपके साथ कुछ गलत करे। उन्होंने तो बल्कि हमारी बुक में तो इवन ये तक मेंशन है कि तीन दफा तक आप किसी काफिर को भी हाथ नहीं लगा सकते, वो एक दफा करे आप जुबान से रोको, दूसरी दफा करे गुस्से से रोको, तीसरी दफा करे हाथ से रोको, चौथी दफा आप बदला ले सकते हो, उससे पहले आप बदला लेने का हक भी नहीं रखते। मगर जहां तक बात है, अभी आपने बात कही कि इस्लाम जो है वो फिर यहाँ क्यों आ जाता है, वहां क्यों नहीं जाता, तो वो आपकी बात 110% बिल्कुल ठीक है कि वो इस्लाम लोगों ने अपनी सहूलियात के लिए अपनी बाउंड्री सेट कर लिए कि यार हिंदूज के लिए हमारा इस्लाम ये होगा, अमेरिका के लिए हमारा इस्लाम ये होगा, चाइनीज के लिए हमारा इस्लाम ये होगा, अपने घर की औरतों के लिए ये होगा, कोर्ट वालियों के लिए ये होगा, और बाहर गली महल्ले वालियों के लिए ये होगा। तो वो जो माइंड है उसके खिलाफ मैं खुद खड़ी हूँ और इसी पे हर दिन मैं खुद डिबेट करती हूँ, उसमें बिल्कुल सही कह रही हूँ, दैट इज टोटली रॉन्ग। जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि टिल यू डू नॉट चेंज, डोंट थिंक द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज। पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पर सबको, पहली बात तो सबको मुसलमान बनाने की जो कोशिश लगी रहती है कि भाई हर एक इंसान मुसलमान बन जाए, ये आपकी जो एक सोच है ना, इसी ने पूरी दुनिया को इट हैज, मतलब क्या दिया है, वॉट हैव यू ऑल गिवन टू द वर्ल्ड, what peace have you all given to your women, to your children, to the world? There is no peace at all. Agar aap peace ki baat karegi to what is the meaning of peace? Live and let live, na? तो ना आप चैन से रह रहे हो, ना आप किसी को चैन से रहने दे रहे हो, आप ऐसे हथकंडे, ऐसे नई नई चीजें, लाइक लव जिहाद, मैंने अपने टाइम पे नहीं सुना था कभी कोई चीज एज लव जिहाद भी होती है, बट इट इज वेरी प्रेवलेंट टुडे। हमारे यहाँ बहुत बहुत सारे आपने केसेस सुने होंगे जहां पर इन्होंने आज तो मतलब कल तो एक मुस्लिम ही महिला को मार डाला, उसके हस्बैंड ने स्टैप कर दिया बिकॉज वो नमाज पढ़ने में उसने देरी कर दी। This is what Islam is about. Is it really? मतलब मेरे लिए इतनी shocking चीजें हैं कि भाई what is religion? What is this religion?
अगर आप, मैं आज अभी यहां पर कहूंगी कि अगर मैं सनातन में हूं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज हम किसी लड़की को उठा के नहीं लेके आते हैं, हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं. इफ शी इज विलिंग शी कम्स ऑन हर ओन. और क्यों लड़कियां निकल रही हैं, मैं ऐसे भी वीडियोस देख रही हूं बहुत सारे, क्यों ये लड़कियां आना चाह रही हैं सनातन में, क्यों ये कहती हैं कि मेरा हमारी घर वापसी करा दो, बिकॉज वी आर फेड अप. क्यों? सो थिंक, अगर आप दिमाग से सोचोगे तो सिट एंड थिंक. यहाँ मौलाना लोग कौन सी अपनी आई डोंट नो व्हाट दे आर टीचिंग, जो बच्चों को मदरसे में पढ़ा रहे हैं, जो तकरीरें करे जा रहे हैं, जो लोगों को खिलाफ यू नो बड़े बड़े लोग बैठे हैं अपने चैनल्स पर और तकरीरें कर रहे हैं कि भाई काफिर काफिर काफिर, अगर ईद मुबारक बोलेगा तो उसको जवाब मत दो, काफिर के घर में जाके पानी मत पियो, काफिर ने अगर कुछ दिया तो खाओ मत. आई मीन सही में, एंड देन यू ऑल वांट पीस इन दिस वर्ल्ड. तो जब तक आप खुद नहीं सुधरोगे या खुद नहीं सोचोगे कि ओके नाउ वी नीड टू यू नो, क्यों सऊदी फिर अभी इतना रिलैक्स पीरियड में, इतने सालों में जहां पर प्रॉफिट मोहम्मद वहां पैदा हुए, वो लोग खुद समझ रहे हैं दैट इनफ इज इनफ. यू कैन नॉट हैव दुश्मन, कितने दुश्मन बनाओगे, कितने लोगों को मारोगे, कि क्या करोगे, और फिर क्या इससे क्या इस्लाम पूरी दुनिया में वो हो जाएगा, और क्या मतलब अगर ऊपर वाला, अगर ऊपर वाले ने तुम्हें अगर दे दिया है ये कि भाई तुम करो, तो मतलब तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि भाई ऊपर वाले तुम ही करो ना, फिर इन लोगों के हाथों में क्यों दे दिया है, यू नो. सो द वर्ल्ड doesn't need all this. The world doesn't need all this. आप देखो हजारों हजारों से लड़कियां बाहर आ रही हैं. मैं खुद जानती हूँ, मैं खुद देखती हूँ कि जहां पर वो खुद आके कहती हैं कि हमको नहीं रहना है. क्यों? क्या जरूरत है? क्या रिस्पेक्ट आपने दी है विमेन को? क्या रिस्पेक्ट आप देते हो अपनी बहनों को? क्या रिस्पेक्ट आप देते हो अपनी माओ को? ये सारी जो बातें लिखी हुई है ना कि हम तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, प्लीज ये तो आई विल नॉट बाय दिस. इट इज नॉट देयर एंड एवरीबडी नोज इट कि आप क्या रिस्पेक्ट दे रहे हो, क्या कर रहे हो, सारी दुनिया देख रही है. सी पीपल, आप अब ये हो गया है कि वी आर ऑन सोशल मीडिया, एवरीबडी कैन सी एवरीथिंग, सब जानते हैं क्या हो रहा है, यू नो. तो यही बात है कि भाई अगर आप चाहते हो, अगर अगर इंडिया में भी अगर आपने अपनी अपना एक पूरा नेशन हमसे, मतलब हमारी एक पूरा पार्ट ले लिया हमसे और कहा कि हम वहां रहेंगे, चैन से रहेंगे, फिर भी अगर आप चैन से नहीं रहते हो तो आई थिंक यू ऑल आर लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से. मतलब आपको मिला उसकी भी आपको कदर नहीं थी, इसीलिए आपने वहां पर लाकर खड़ा कर दिया पाकिस्तान को जहां पर वो आज है. एंड सी टुडे, हमने बहुत पेशेंस दिखाया, इंडिया ने बहुत पेशेंस दिखाया, इसीलिए मुगल आए यहां पर कॉन्कर किया, इसीलिए ब्रिटिशर्स आए यहां पर कॉन्कर किया. एंड नाउ आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी नो दैट दिस इज अवर कंट्री एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, क्योंकि कोई और बाहर का आएगा नहीं. सभी लोगों ने आज ये तस्लीम की, सभी लोगों ने ये फैक्ट को स्वीकार किया है दैट India is one of the best countries, I would say. That is why it is where it is. Because of my Prime Minister, because of my CMs, it is just rising above. और आज एक हिंदू को भी समझ में आ गया है, एक हिंदू को समझ में आ गया है कि we cannot sit and always think कि like you know कि okay एक थप्पड़ मार दिया दूसरा भी गाल दे, तो अब वो जमाने नहीं रहे. महविश, it is high time, because पहले मुगल ने आके हमारी पूरी कंट्री के ऊपर जो किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने आके जो किया, तब भी कितने थे वो लोग, हैंडफुल थे, लेकिन हमारे पेशेंस की जो इंतहा थी ना वो बहुत ज्यादा ही थी. आई मीन आई थिंक बहुत ज्यादा पेशेंस भी इंसान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है. सो समवेयर आई थिंक दैट इंडिया से अलग होकर भी you yourself are seeing where you all stand now and what is happening. जी परवीन जी, आपने कहा कि इंडिया से अलग होकर आप लोग देख ही रहे हो कि आप लोग कहाँ खड़े हो. मुझे बताएं क्या टू नेशन थ्योरी का जो सारा प्रोसेस या जो स्टेप लिया गया था वो गलत था? आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ इंडिया से तो ये बात आई नहीं कि भाई हमको एक पाक इसमें रहना है क्योंकि ये काफिर है और हमारी इनसे बनती नहीं है. ओके, सो ये जो दिमाग में है ना कि इनसे हमारी इसलिए नहीं बनती है बिकॉज ऑफ रिलीजियस, नॉट बिकॉज के हम ह्यूमैनिटी के लेवल पे कभी भी नहीं जुड़े. इट वॉज ऑलवेज अबाउट रिलीजन, बिकॉज योर रिलीजन ऑलवेज टॉट के नहीं भाई हमको बिल्कुल और बिल्कुल भी इन काफिरों के साथ नहीं रहना. दैट इज हाउ दिस पाकिस्तान केम इन टू बींग ना, कि ये पाकिस्तान आया. तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप, मैं यहाँ पर कोई वो नहीं कर रही हूँ कि पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है, लेकिन सी द वे,
सी द वे इट इज गॉन. आप देखो कि कहां कहां से कहां आ गया है आज. आज वो हालत हो गई है पाकिस्तान की कि वहां की महिलाएं भी बोल रही हैं कि वी डोंट वांट टू लिव हियर. वेल वी डोंट वांट टू, वी नेवर वांट टू लिव हियर. क्यों कह रही हैं, क्यों लोग इतने परेशान हैं, क्यों? तो अगर आपने अपना, अगर आपने अपना लॉ, अगर आपने अपने अपना लॉ, जो आपका लॉ है, जो शरिया लॉ है, वो भी आप लोगों ने रखा वहां पर. आज आप देखो किसी को भी पकड़ के ब्लास्फेमी के लिए आप, यू नो, किलिंग इज जस्ट नथिंग, ऐसा हो रहा है सब कुछ. तो समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि दो नेशन थियोरी नहीं होती, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग यहाँ होते और अगर अगर आपका माइंड सेट ऐसा ही होता जैसा कि अभी है, तो आई थिंक इट वॉज बेटर दैट आप लोग निकल ही गए. क्योंकि अगर आप ह्यूमैनिटी के लेवल पर आते और ये भूल जाते और पहले कॉन्स्टिट्यूशन को रखते कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले है, उसके बाद हम जो भी रिलीजन आप मानो, आप कैथलिक हो, आप ज्यूज हो, आप मोमिन हो, आप हिंदू हो, दैट कम्स लेटर. तो आज ये नौबत नहीं आती क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पीछे रखा और अपने रिलीजन को आगे रखा. दैट इज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम वहां स्टार्ट होती है. अपने घर में हर एक इंसान अपना रिलीजन रिलीजन को फॉलो करने का पूरी आजादी है, लेकिन यू ऑल नेवर वांटेड दैट. यू एंड स्टिल नाउ इन इंडिया दे डोंट वांट टू से दैट दे आर प्राउड ऑफ आर कंट्री. दे फील शाई टू से दैट दे आर प्राउड ऑफ आर कंट्री बिकॉज दिस इज अ काफिर कंट्री. प्रॉब्लम यहां पर स्टार्ट होती है. तो अगर ह्यूमैनिटी के लेवल से अगर आप ज्वाइन होते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कहीं पर रिलीजन आप आगे लेकर आ गए, इसीलिए इतना सब कुछ हो गया. जी प्रवीण पूजा जी, व्हाट काइंड ऑफ पीस यू जस्ट फाउंड इन सनातन धर्म आफ्टर कन्वर्जन? कौन सा ऐसा सुकून है, पीस है, जो पीस का फैक्टर आपको वहां मिला? बहुत कुछ है. बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत लव है, बहुत ज्यादा, यू नो, देयर इज, मतलब एक वुमेन को वुमेन, मतलब मैं समझती हूँ, मुझे जहां तक याद है, मुझे नहीं लगता कि मेरे खानदान में या मैं आसपास के जितने भी मुस्लिम्स को देखती थी, दे एवर अंडरस्टूड कि वुमेन की भी एक वॉइस है. शी ऑल्सो कैन एडवाइज, शी कैन ऑल्सो पुट इन समथिंग. ये कभी सोचा है किसी ने कि हमारी औरतों, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो औरतें हैं, उनका भी दिमाग है, वो भी कुछ बोल सकती हैं, वो भी कुछ कर सकती हैं, वो भी कुछ एडवाइस दे सकती है, वो भी एक फैमिली के, यू नो, एक फैमिली का जो एक फैमिली लाइफ होती है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है. आप लोगों ने तो वो किया नहीं. आप लोगों ने वुमेन को तो जहां पर रखा है आप खुद ही जान सकते हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मे बी देर आर मेनी मुस्लिम्स हु हैव गिवन दैट काइंड ऑफ लिबर्टी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली. लेकिन कितने परसेंट है ऐसे आप जैसे बैठ सकते हैं और बात कर सकते हैं. सो दैट यहां पर मैं यही कहती हूं कि जो पीस है, आई वुड टॉक अबाउट सनातन, द पीस, द फ्रीडम टू लिव, द फ्रीडम टू टॉक, टू वॉइस आउट कि मुझे ऐसा फील हो रहा है या मैं ऐसे सोचती हूँ या मैं ये कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ अपने फैमिली में, मैं एडवाइस दे सकती हूँ. तो ये सब चीजें कहाँ है, ये सब चीजें कहाँ है? देयर इज नो रिस्पेक्ट. यू आर जस्ट अ मशीन हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस किड्स, मेक मोर किड्स, मेक मोर किड्स ताकि आपकी तादाद बढ़े. दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी अगर आपकी है और आप बच्चों को एजुकेशन नहीं दोगे, अगर आप बच्चों को मदरसे भेजोगे, उनकी क्या लाइफ है मुझे बताइए? वेयर आर दे स्टैंडिंग, कहां पर है वो इन द वर्ल्ड? अगर आप ग्लोबली देखें तो वॉट आर यू ऑल डूइंग, वॉट आर यू कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द सोसाइटी? कुछ भी नहीं. आप उनको, आप अगर दो